So, today, first we discuss these questions and then we will discuss further. और एक क्वेश्चन और है. Can we increase vital capacity of lungs if yes then how वाइटल कैपेसिटी होती कितनी हम अंदर एयर स्टोर कर सकते कितनी देर तक कर सकते ये आपने बताना है जल्दी से. हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन किया किसी ने. चलो पहले 5 मिनट ले लो ये करने के लिए और फिर मुझे आंसर्स बताना जल्दी से. तो आईआरबी जो है इट इज इक्वल टू 2000 ml. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी. सो इट इज 600 प्लस 2000 इज इक्वल टू 2600 ml. और बेटा इजी क्वेश्चन बट स्टूडेंट्स क्या होता है बायो के स्टूडेंट्स को होता है कि ओहो मैथ्स आ गया मैथ्स तो हमें आता है ठीक है हमने तो किया ही नहीं कैलकुलेशन था भी छोड़ो ये क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है आंसर तुम्हारे सामने प्लस माइनस तो आता ही है. एम आई राइट जरावर. यस मैम. ठीक है इसलिए ये नहीं कि भी कैलकुलेशन आ गई तो हमें नहीं आएगा कर लेना. नेक्स्ट. हाँ जी पवन जो. यस मैम. सेकंड क्वेश्चन द थ्री लेयर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज स्क्वैमस एपिथेलियम एंडो एंडोथेलियम एंड तीसरी एंड मैम तीसरी मैम बेसमेंट सब्सटेंस होता है मैम जो उनके मेम्ब्रेन हम कह देते हैं ये देखिए. यस मैम बिटवीन देम एल्वियोलाई दिस इज ब्लड कैपिलरी दिस इज एंडोथेलियम आपने बनाया भी होगा दोबारा से या एनसीईआरटी ने भी डायग्राम दिया हुआ है. एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल दिस इज ब्लड ये है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई और बीच में ये क्या है दिस इज ब्लड मेम्ब्रेन. दिस इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये 3 लेयर्स है और ये याद रखना है यहाँ पे लिख भी लो थिकनेस ऑफ रेड पेन से लिख लेना थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज लेस देन 1 मिलीमीटर मीन्स इट इज वेरी थिन. ठीक है इट इज थिन moist and permeable to gases. ये बहुत thin होती है क्योंकि it is less than 1 millimeter in thickness, right? And it is thin, moist and permeable to gases. Next forever. Question number third, A part, trachea and bronchi are lined by cartilaginous rings. Why? Ma'am, because trachea is there to support the structure of the bronchi and it prevents it from collapsing down. Ma'am, and in the second part, B part, ma'am, it is absent in bronchioles and alveoli, ma'am, because it does not need support, ma'am. They don't need support. Support ke saath sir, because support hum bahut zyada isse stress nahi karenge. हम ये कहेंगे ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइंड बाय कार्टिलेजिनस रिंग सो दैट दे डू नॉट कोलैप्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये राइट मैम. ये जरूर ये लाइन जरूर लिखो सब दे डू नॉट कोलैप्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर.
दूसरा ये क्यों ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई में क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव थिन ल्यूमन, इनके अंदर की जगह में अगर रिंग्स ही आ जाए तो ये तो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है. दे हैव थिन ल्यूमन या नैरो ल्यूमन करो तो ज्यादा ठीक है, नैरो ल्यूमन, एंड दे आर नेवर एम्प्टी ऑफ एयर, इनमें कभी भी ऐसा नहीं होता, दे ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ एयर, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, दे आर नेवर एम्प्टी ऑफ एयर, सो दे डू नॉट रिक्वायर. हाँ जी बेटा. मैम प्लीज रिपीट फर्स्ट वन ए पार्ट है, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. सेकेंड का है, सेकेंड के दो पार्ट्स है, फर्स्ट है नैरो ल्यूमन, सेकेंड है दे आर नेवर एम्प्टी ऑफ एयर, ठीक है जी. नेक्स्ट, हाँ जी समरीत, फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, दे कीप द वॉल क्लीन एंड थ्रो आउट ऑल द डस्ट पार्टिकल्स थ्रू नो. यस, हम ये कह सकते हैं दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स एंटरिंग विद एयर and throws out through nose along with cough and sneeze. ठीक है, बड़े प्यार से लिखनी है चीजें बेटा, ताकि टीचर को भी मजा आए. यू नो कई बार आपको ऐसे लगता है बच्चे कि मैंने भी वही लिखा है, साथ वाले ने भी वही लिखा है, बट उसको मैडम ने नंबर दो दे दिए पूरे, मुझे एक दिया है, क्या बात है भी, ऐसा क्यों ऐसा क्यों. तो बेटा एक ना हमेशा किसी को भी, आप हो कोई भी हो, हम कहते हैं कि सिंपल लिख दे सिलिया थ्रोज आउट डस्ट पार्टिकल, तो गंदा सा लगता है, क्या है क्या लिखा है किस तरह से लिखा है, सिंपल हम क्या लिखेंगे. और अगर इसी को ही लिख दिया जाए कि सिलिया ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स एंटरिंग विद एयर एंड थ्रोज आउट थ्रू नोज अलोंग विद कफ एंड स्नीज, तो ऐसे लगता है कि बच्चे ने बड़े प्यार से आंसर दिया हुआ है, सिर पे मारा नहीं हुआ है आंसर कि ले पकड़ सुन ले, है ना, ऐसा नहीं, ठीक है. और वही मार्क्स का फर्क पड़ता है और वही आपकी क्लैरिटी का फर्क पड़ता है, ठीक है जी. सिलिएटेड एपिथेलियम. नेक्स्ट पवन जोन, द फ्लूइड विच कीप्स लंग्स मॉइस्ट इज, यस मैम, ये वाला द फ्लूइड विच कीप्स लंग्स मॉइस्ट, तुमको मॉइस्ट रखते हो, फ्लूइड का क्या नाम है मैम, ऊपर वाला हो गया मैम, सिलिया का मैंने सिलिएटेड एपिथेलियम, हाँ अभी बताया समरीत ने, मैं ऑफलाइन हो गया था मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो. इट थ्रोज आउट डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स अलोंग विद कफ एंड स्नीज, ठीक है. अब इसका आंसर बताओ बेटा, व्हिच कीप्स, मैम इसके नेक्स्ट का ना, द फ्लूइड व्हिच कीप्स लंग्स मॉइस्ट, हाँ क्या है इसका आंसर मैम, इसका आंसर मैम फ्लूइड का नाम बताना है ना. हाँ जी हाँ जी, याद नहीं है, चलो कोई बात मैम, एक सेकंड, नहीं मैम आता है मैम, आता है मैम, करो 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 जोरावर, मेरे को मतलब, हाँ अच्छा मुझे ये बताओ आप पवनजोत, ये बताओ कि लंग्स की दो मेम्ब्रेन्स होती है उनको क्या बोलते हैं, उससे मैम वो प्लूरल फ्लूइड, बिल्कुल ठीक है प्लूरल फ्लूइड, उनको प्लूरा बोलते हैं और उनके बीच में फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल. यस मैम, कंफ्यूज हो रहा था हम थोड़ा. चलो नेक्स्ट जोरावर, जोरावर कैन यू हियर मी, ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. Am I audible, Zoravar? Are you there? Yes. चलो आई होप ये आया नहीं है जोरावर को, क्योंकि मुझे आवाज नहीं जोरावर की सुन रही. चलिए, कैन वी इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी, आप संगीत आप बताओ. Yes, of course, by meditating and breathing exercise. Yes, by exercising we can increase the vital capacity. आजकल हम इसी पे ही कह रहे हैं
कि अपनी कैपेसिटी पे जोर दो, अपनी कैपेसिटी पे जोर दो. एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस बेटा, मुझे ना बहुत ज्यादा यू नो कफिंग रहती थी, खांसी करते जाना. एक बार मुझे मतलब कोल्ड हो जाना या मुझे फ्लू हो जाना, तो मुझे उसके बाद खांसी शुरू होनी, तो मुझे महीना महीना खांसी रहती थी और इतना बुरा हाल होता था. कई बार पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा कि मुझे 5-7 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ती थी, ओनली देन आई कुड यू नो टीच द स्टूडेंट्स. बट आफ्टर दैट है ना, जिस डॉक्टर के पास मैं जाया करती थी, वो भी बेचारी ने, उसने मुझे थोड़े बहुत जो स्टीरॉयड्स देने थे वो भी देके देख लिए, उससे भी ना ठीक हो. देन व्हाट शी सजेस्टेड मी कि यू स्टार्ट, थोड़ा बहुत चलो स्टीम लो, कुछ करो एंड स्टार्ट डूइंग है ना, हम डीप ब्रीदिंग है ना, अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये करो, इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे आपके ब्रोंकाई ब्रोंकियोल डायलेट होंगे. ये क्योंकि डायलेट नहीं हो रहे, कॉन्स्ट्रिक्ट हुए पड़े हैं, जिसके कारण जो है आपकी हवा प्रॉपर आ जा नहीं रही है. एंड जिसके कारण आपको, क्योंकि आपकी चेस्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, व्हाई दिस इज हैपनिंग. देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट एक्सरसाइज एंड फॉर यू नो विद गॉड्स ग्रेस. एंड एक्सरसाइज का तो जो है ही है, मुझे कोविड भी हुआ एंड कोविड के बाद लोगों को बहुत टाइम तक कफिंग रहती है एंड ऑल दैट, क्योंकि मुझे यही डर था चाहे कोविड तो ठीक हो गया बट हाय अब मुझे कफ हो गया है, हाय अब मुझे खांसी हो जाएगी, अब ये 2 महीने तक ठीक नहीं होगी, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ. बट आई स्टार्टेड टेकिंग स्टीम 2 times 3 times, डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड टच वुड, बहुत फर्क है, नहीं तो मैं तो सारी सारी रात नहीं सो पाती थी खांसी की वजह से. इसलिए स्टार्ट डूइंग है ना, अगर आपके, क्योंकि ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कोई दिखे आपको कुछ है तो उसको बताओ कि एक्सरसाइज करो, स्टीम लो, क्योंकि ड्राइनेस से हम क्या करते हैं, सारे दरवाजे बंद करके एसी चला लेते हैं. एसी से क्या होता है, ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस से फिर हमारी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं. ठीक है, तो इन चीजों का फर्क पड़ता है. वी कैन इंक्रीज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग बाय एक्सरसाइजेस, बाय डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज. इज इट ओके एवरीबडी? ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. टॉपिक लिख लो अपनी कॉपी में. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा 2 जगह पर होनी है. कहां पे होनी है? सबसे पहले ये है एल्वियोलाई और इसमें बाहर से एयर आ रही है, बट इसकी एयर को हम क्या बोल देते हैं, इसके अंदर जो है दिस इज एल्वियोलर एयर. ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है यहां पे ब्लड आ रहा है. कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड जिसको हम और क्या बोल देंगे, इम्प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा बेटा यहां से CO2 एल्वियोलाई में जाएगी और ऑक्सीजन कहां पे आएगी, ब्लड में आएगी. राइट, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ रही है और एल्वियोलाई में क्या जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड. अकर्स एट द लंग सरफेस या इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स. ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा ब्लड. कौन सा ब्लड आ जाएगा? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस इज प्योर या फिर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड आता कहां से है बेटा? यू नो यहां पे देयर इज प्रेजेंट पार्ट This is heart. और आपने टेंथ में थोड़ा सा किया है. This is right atria, right ventricle. लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहां से बच्चे इधर से यहां से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड कहां पे जा रहा है? लंग्स में. और ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड कहां पे आ रहा है? ये भी लंग्स में आ रहा है. राइट. और इधर से ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से मैं इधर नीचे को ही बता रही, बाकी हार्ट का हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. लेट अस से ये एओर्टा है और एओर्टा से कहां पे गया? टिश्यूज में. ये टिश्यूज में गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. एंड यू नो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन यहां पे गई और CO2 ब्लड में गई. ऑक्सीजन सेल्स को चाहिए. अब यहां से कौन सा ब्लड वापस आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो कहां पे जाएगा? दैट इज राइट एट्रियम. ये आपको पता है, ये आपने टेंथ में किया हुआ है. This is the flow of blood. तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रही है. एक तो हो रही है एट लंग सर्फेस पे और दूसरा कहाँ पे हो रही है? इन द टिश्यूज. कैसे होती है ये देखिए. तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs first है between air and blood at surface of lungs और दूसरा है between blood and tissues या between blood and cells in tissues. क्यों होती है ये एक्सचेंज? क्या जरूरत है? यहां से एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है,
बट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आती, ऑक्सीजन ही क्यों यहाँ से यहाँ आती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जाती है, ऐसा क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑक्सीजन CO2 की डिफ्यूजन को इफेक्ट नहीं करती है, CO2 ऑक्सीजन या किसी और, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एंड occurs along partial pressure gradient. अब आप कहोगे कि ये partial pressure gradient क्या चीज है, what do you mean by partial pressure? Each gas exerts its own pressure. Total pressure air का कितना होता है, 760 mm of mercury, ठीक है, और उसमें 760 जो है जितनी भी air में gases पड़ी है हर gas का pressure मिला के 760 है, but हर gas का अपना अपना pressure है और total मिला के air का pressure है, but each gas exerts its own pressure according to its percentage in air. For example, अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ एयर कितना मैंने बताया है, 760 mm ऑफ मर्करी। ऑक्सीजन इन एयर इट इज 21%, पीओ टू क्या है, पार्शियल प्रेशर of oxygen. I think chemistry में शायद मोल कंसेप्ट में गैसेज वगैरह का करते हो तो शायद करते होंगे आप, is equal to 21% हटाएंगे into 100, total pressure का 21% जो है वो क्या होगा, PO2 मतलब partial pressure of oxygen, करके देखो जरा जल्दी से। हाँ जी करो, 76 इंटू 21 ओवर 10 करो जल्दी से। जल्दी से जोरावर आंसर बताओ बेटा फटाफट से इसका। बेटा आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा अपना, आई कांट हियर यू, मुझे मैसेज कर दो, चलो मेरे आ नहीं रही है। समरीत आप बताओ, 159.6, इट इज 159.6 इस तरह से है, सो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 159 लेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 159 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। तो PCO2 एयर में कितनी ऑक्सीजन और कितनी CO2 होती है, 0.03%, इज इट ओके, तो यस मैम इट इज 0.03 ओवर 100 इंटू 760, 6 3 18,
सेवन थ्री जै 21, 22, एक दो तीन, एक दो तीन। तो अप्रोक्सीमेटली इसको जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, क्योंकि आगे पीछे तो चलती रहती है, इट इज 0.3 mmHg. तो एटमॉस्फेरिक एयर में, जो एयर एटमॉस्फेयर में है, जो हम ब्रीद इन करते हैं, उसकी PCO2 है इतनी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज, ठीक है। तो हर एयर का, हर गैस का अपना अपना प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो पहले आप ये लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ कि कैसे ये एक्सचेंज होता है, क्यों होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे कि जब ये एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में, फेरेंक्स में, फिर ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में आए, इट मिक्सेस विद सम ऑफ फाउल एयर। फाउल एयर में डीऑक्सीजनेटेड एयर, जिसमें से ऑक्सीजन, देखो जब हम अंदर एयर ले रहे हैं तो कुछ फ्रेश एयर वहीं रह रही है और बाकी की लंग्स में जा रही है, जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो कुछ इम्प्योर एयर जो है या डीऑक्सीजनेटेड है वो अंदर रह रही है और बाकी की फाउल एयर बाहर जा रही है। तो हमेशा उसमें एयर तो कुछ ना कुछ रहती है। इट मिक्सेस विद सम ऑफ द फाउल एयर ड्यू टू विच एंड वियोलर एयर है। अब जो अंदर हमारे एल्वियोलाई में एयर पहुंची, उसमें एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम हो गई, क्योंकि कुछ फ्रेश एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह गई, और CO2 बढ़ गई क्योंकि फाउल एयर के साथ मिली है। इसलिए क्या हो गया, CO2 कितनी रह गई, 159 से डिक्रीज हो गई 104 mm of mercury, and PO2 increase, PCO2 increase कर गई 40 mm of mercury, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे आप भरते चलो, PO2 104, PCO2 40। Another is, यहां पर CO2 40 है, PCO2 45 है। हम कहेंगे, हाँ जी बेटा। मैम ये हमारी assumption है? नहीं नहीं assumption नहीं है बेटा, ये measure की हुई है। Okay मैम, ठीक है, spirometer से और बाकी के instrument से ये measure होती है, right? तो फिर इसका बी पार्ट क्या है, दैट इज PO2 एंड PCO2 ऑफ वीनस ब्लड। वीनस का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग इन लंग्स। तो कितनी है, मैंने अभी बताया आपको, PO2 40 mm mercury and PCO2 45 mm mercury. Gases move from high partial pressure
to verbs. Low partial pressure. मैंने पीपी लिखा है, आपने पूरा लिखना है पार्शियल प्रेशर. तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है 104 और यहाँ पे है 40, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगी. CO2 यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 है, देयरफॉर CO2 मूव्स इन द एल्वियोलाई. देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई या एल्वियोलर एयर टू ब्लड एंड CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलर. अब यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो गई ब्लड में, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन आई जा रही है. तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पे PO2 बढ़ के 95 हो गई एंड PCO2 खत्म होके 40 हो गई, कम हो गई, खत्म तो नहीं कम हो गई. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट आ जाता है. Thus, in arterial या फिर pure blood coming out of lungs, has क्या है, CO2 95 mm mercury and PCO2 40 mm mercury. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड अगेन मैं अलग अलग टर्म्स यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड रीचेस टिश्यूज टू हार्ट. टिश्यूज हैव सेल्स where aerobic respiration occurs. Respiration पूरी लिखनी है, occurs. Aerobic respiration में क्या होता है, oxygen is consumed, CO2 is liberated. मैं वो लिखूंगी नहीं, ये obvious है, आपको पता है. Therefore, cells have PO2 40 mm of mercury and PCO2 45 mm mercury. Arterial blood reaching tissues has, यही वाला जो ये आ रहा है क्योंकि बाकी तो कहीं पे लॉस हुआ ही नहीं है, CO2 95 mm and PCO2 40 mm of mercury. ठीक है, इस ब्लड में क्या है, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन कितनी है 40 और CO2 है 45. यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 90, CO2 का है 40. Therefore, ऑक्सीजन 95 से 40 की तरफ जाएगी, CO2
45 से 40 की तरफ जाए, ठीक है। देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन सेल एंड CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, ठीक है। सो दैट इस ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन फिर कितनी हो गई 40 एंड CO2 हो गई 40, ठीक है। अब ब्लड में, पहले सेल्स में थी, अब ब्लड में वही चीज हो गई, और फिर ये ब्लड थ्रू हार्ट कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, एंड सेम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। इज इट ओके, क्या समझ में आई? ये लिखो और 5 मिनट देखो इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से क्वेश्चन आ जाते, इजी प्रोसेस है, और सब्जेक्टिव में भी पूरी 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। एक्सप्लेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सरफेस ऑफ लंग एंड इन टिश्यूज, ठीक है। करो ये जरा जल्दी से। तो बेटा आपने एक कॉलम बना लेना, यही जो मैंने यहाँ पे करवाया वही आपने करना है, दैट इज CO2, CO2, एटमॉस्फेरिक एयर 159.03, एल्वियोलर एयर 104.40, वीनस ब्लड 40-45, आर्टीरियल ब्लड 95-40, टिश्यूज या सेल्स 40 and 45। तो ये आपको एक कॉलम बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है, करो नोट। कर लिया बच्चा? यहां पे एक पॉइंट लिखो, as the solubility of carbon dioxide is, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. Therefore, rate of diffusion of carbon dioxide per unit difference in partial pressure is much higher than rate of diffusion of oxygen through diffusion membrane. So, diffusion membrane in lungs. यहाँ पे स्टार डाल के लिख लेना,
diffusion membrane is respiratory membrane. इसके बारे में आपको पता है, थ्री लेयर्स है, एल्वियोलाई, एपिथेलियम, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, हूज थिकनेसेस लेस देन अ मिलीमीटर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है विच गैस डिफ्यूजेस मोर या विच गैस डिफ्यूजेस क्विकली, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर सॉल्युबिलिटी देन ऑक्सीजन। इज इट ओके? ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब क्या है, यहां से ऑक्सीजन जा रही है ब्लड में, किस फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है? सेल्स में से अल्टीमेटली CO2 जा रही है कहां पे? एयर में, थ्रू ब्लड। तो ब्लड में CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है ये हमने देखा। तो फर्स्ट आ जाता है, या हम पहले करेंगे टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें पता होना चाहिए कि गैसेस ट्रांसपोर्ट बिटवीन lungs and cells, ultimately तो cells नहीं जानी है और cells से CO2 lungs में जानी है through blood। जो oxygen है, oxygen from lungs to cells, कैसे? एज फर्स्ट है 97% ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। 95% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, 3% ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, क्योंकि ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 3% इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, और बाकी की सारी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है CO2 फ्रॉम सेल्स टू लंग्स एज फर्स्ट आ जाता है बेटा 23% कंबाइन्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बेमीनोहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मूला है KHbO2,
और ये है एच एच बी ओ टू. ये के क्यों है और ये एच क्यों है ये मैं बताऊंगी अभी. देन सेकेंड है 70% इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन इन आरबीसी. और रह गई 7%. 7% इज ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व इन ब्लड ग्लास. ये है जी. अब ये कैसे बनता है क्या नहीं ये मैं डिटेलिंग अभी बताती हूँ. पहले नोट डाउन कर. अब हम स्पेसिफिक करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो अब हमने क्या बताना है मेन हमने करना है एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन जो है इसके दो पार्ट है हीम पार्ट प्लस ग्लोबिन पार्ट. जो हीम पार्ट है फॉर्म्ड ऑफ फोर पोरफायरिन रिंग्स. रिंग्स का नाम है ईच हैविंग वन फेरस. एफपी टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव नहीं होता है. अगर थ्री पॉजिटिव हो गया तो ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करेगी इसके साथ. सो ईच हैविंग वन फेरस इन सेंटर. ग्लोबिन इज ए प्रोटीन फॉर्म्ड ऑफ फोर चेन. जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कंबाइंस विद ध्यान से सुनना है बेटा. पेन नीचे रख दो सारे है ना. सुनना ये ऑक्सीजन कंबाइंस विद फेरस ऑफ हीम. देयरफॉर या वन ऑक्सीजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें O2 कंबाइंड विद वन फेरस ऑफ हीम. देयरफॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद मैक्सिमम ऑफ फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. बट ध्यान ये रखना है कि अमाउंट या नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर लेस एंड देयर इज लॉट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन. इसका मतलब है लेट अस से हम बॉडी की बात नहीं कर रहे हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन में भी तो वहां पे बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होगी क्योंकि ऐसा नहीं हीमोग्लोबिन के अपने नखरे है वो कहते हैं मैं कंबाइन करूं ना करूं. अच्छा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है और हमने 10 ऑक्सीजन डाल दी तो हो सकता है हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन से भी कंबाइन ना करे. ठीक है तो बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है और थोड़ा हीमोग्लोबिन होता है तब जाके हीमोग्लोबिन क्योंकि बहुत ऑक्सीजन है तो उसके साथ कंबाइन धीरे 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 करना शुरू कर. ठीक है तो ये याद रखना है. जैसे हम कोई भी रिएक्शन होता है हम कहते हैं बहुत सारे सब्सट्रेट है
और थोड़ा सा कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट उन सबस्ट्रेट्स को, बहुत सारे सबस्ट्रेट्स में से कुछ सबस्ट्रेट्स को रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट। कभी भी 1:1 नहीं होता है कि हम एक हीमोग्लोबिन डालें एक ऑक्सीजन डालें तो वो एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बेटा, ये कुछ ऐसा नहीं है कि भी आपने कहीं ये लिखना है, ये ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं इनिशियली हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन स्लोली, बट व्हेन सम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन rate of association of oxygen with hemoglobin increases। पहले धीरे धीरे, आपको कोई चीज नई मिल जाए आप धीरे धीरे खाना शुरू करते, पता नहीं कैसी है कैसी है, और उसके बाद आपको टेस्ट ही लगे फिर आप फटाफट खाते, यही चीज यहाँ पे भी है। हीमोग्लोबिन पहले धीरे धीरे ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, कहां पर, आर्टीरियल ब्लड में नई नई ऑक्सीजन आई है लंग्स में से, धीरे धीरे जैसे ही उसको वो ऑक्सीजन से कुछ कंबाइन करता है इमीडिएटली द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ एसोसिएशन इंक्रीजेस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन is mainly influenced by partial pressure of oxygen। अगर 95 है तो maximum association, अगर कम होती जाएगी तो association decrease करती जाएगी। ठीक है, and but it is also affected by first है blood में carbon dioxide कितनी है। अगर PO2 95 है but CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ oxy hemoglobin जो है वो टूटता है क्योंकि उसने CO2 से भी कंबाइन कर लिया। सेकेंड है दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और आप कह सकते हो पीएच, और थर्ड है टेम्परेचर, एंड देयर आर सम केमिकल्स ऑल्सो, आपकी बुक में ये तीन दिए हुए हैं बट कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। इज इट राइट? दोबारा से अगर हम बात करें कि PO2, अगर PO2 40 से आगे बढ़ती जा रही है तो एसोसिएशन बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम एसोसिएशन होगी 95 से, अगर 95 से कम हो रही है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है। ठीक है जी, दूसरी बात, अगर CO2 की कंसेंट्रेशन PO2 95 भी है बट CO2 40 से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 45 हो गया है, 50 हो गया, या उसे 45 तक ही मैक्सिमम होता है, तो उस केस में देयर अकर्स डिसोसिएशन, ऑक्सीजन कम हो जाए या CO2 बढ़ जाए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए मतलब एसिडिक ब्लड हो जाए, पीएच कम हो जाए या एच पॉजिटिव बढ़ जाए, उस केस में भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। टेम्परेचर यू नो, कभी टेम्परेचर हो जाए 103, 104, 105 तो थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस फील होती है कि हाय सांस सा नहीं आ रहा है,
ये नहीं कि लंग्स हमारे खराब हो गया, नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटता है, वो ऑक्सीजन को ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देयरफॉर हाई कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, इट कॉजेस डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन या इट डिक्रीजेस एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, इज इट ओके, ठीक है। ये पहले यहां तक लिखो, फिर हम आगे करते हैं। ये देखिए, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कितना बन रहा है। तो अगर हम देखेंगे इसे एस शेप्ड का, ये हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 100 mm ऑफ मर्क्यूरी, इतना PO2 है, एंड ये जो है दिस इज मैक्सिमम सैचुरेशन, या हम इसको कहेंगे 95%, आई एम सॉरी, 95 mm ऑफ मर्क्यूरी and it is 100% saturation. ये जो value है, this is half of 50%, half of V maximum हम कर लेते हैं, ठीक है जी। दिस इज ऑफ आर्टीरियल ब्लड, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और बेटा समझो ये थोड़ा सा, ये क्या सिग्मोइड, पहले ये धीरे धीरे है, ये देखिए ये धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रहा है, जैसे ही थोड़ी ऑक्सीजन कंबाइन कर गई हीमोग्लोबिन से, फिर क्विकली बन रहा है, यहाँ पर 95 इतने पार्शियल प्रेशर पे मैक्सिमम सैचुरेट हो गया है, उसके बाद चाहे ऑक्सीजन बढ़ती जाए तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इससे ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया, इससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम कह देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व और इसको हम और क्या बोल देते हैं बेटा, बोहर्स कर्व, कैसा है, इज अ सिग्मोइड, ध्यान से समझो पहले, इज अ सिग्मोइड, ये क्या है, यहां से यहां तक लैग फेज है ना, फेज लिख लेना, दिस इज लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, and this is stationary phase, so
पहला पॉइंट है लैग फेज. एक्सप्लेन्स इनिशियल स्लो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन. उसके बाद सेकेंड है एक्सपोनेंशियल फेज. क्विक एसोसिएशन वंस स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज फॉर्म. और थर्ड है स्टेशनरी फेज यहां पे क्या है मैक्सिमम हीमोग्लोबिन इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन. देयरफॉर फर्दर इंक्रीज इन ऑक्सीजन डज नॉट कॉज मोर बाइंडिंग. इज इट राइट? ठीक है, पहले ये बना लो. चलिए जी, अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो भी बनता है. इन लंग्स एज CO2 डिक्रीजेस इन ब्लड, क्योंकि CO2 किसमें डिफ्यूज करिए, एल्वियोलाई में, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीजन इन ब्लड. देयरफॉर हीमोग्लोबिन एसोसिएट्स विद ऑक्सीजन. And gets maximally associated at P oxygen 95 mm mercury in lungs. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सेकेंड पॉइंट लिखिए. एज ब्लड रीचेस इन टिश्यूज. सेल्स में तो बेटा CO2 फ्री पड़ी है, ऑक्सीजन फ्री है ना, वो तो किसी से कंबाइंड नहीं है. ब्लड में ऑक्सीजन कंबाइन है, उसको उससे फ्री होना पड़ेगा. फ्री CO2 क्विकली, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन है भी बहुत क्विक है. फ्री CO2 क्विकली डिफ्यूजेस इन ब्लड फ्रॉम सेल. Increasing CO2 in blood decreases affinity of hemoglobin for oxygen.
एफिनिटी मतलब उसकी अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ कम होगी क्योंकि एक दूसरा आ गया CO2 आ गया, एक और दोस्त आ गया. Therefore, oxyhemoglobin dissociates, टूट जाता है. जब एक तीसरा दोस्त आ जाए और पहले के साथ उसके साथ तीसरे के साथ आपकी थोड़ी सी अट्रैक्शन बढ़े तो पहले के साथ दोस्ती कम हो जाएगी. और KHBO2 डिसोशिएट करेगा, पूरे का पूरा नहीं, कुछ मैक्सिमम जो है डिसोशिएट कर जाएगा K पॉजिटिव HB नेगेटिव प्लस ऑक्सीजन. आपको यहां से पता चल रहा है कि K पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि HB हीमोग्लोबिन नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है सो न्यूट्रलाइज होने के लिए. सो KHBO2 ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू सेल्स अलोंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट होता है डिफरेंस, अलोंग का मतलब है हाई टू लो. ठीक है, तो अब अगर हमने इस कर्व में आपको दिखाना हो कि कैसे डिसोशिएट कहां पे हो रहा है, ये तो एसोसिएशन हो रही है. और अगर हमने अगर कर्व राइट साइड को शिफ्ट कर दिया अगर लेफ्ट साइड वाला है दिस इज एसोसिएशन एंड दिस इज ऑक्सी के एच बी ओ टू डिसोसिएशन. कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अब यहां पे देखिए कि ये 95 mm पे पूरा सैचुरेटेड था. अब इसको बहुत ज्यादा मे बी 120 मे बी 130 जो है उसको चाहिए है पूरी सैचुरेशन के लिए. अब इसको PO2 बहुत ज्यादा चाहिए है, इतना तो PO2 है नहीं है बॉडी में, इसलिए उसकी एब्सेंस में अगर इतना PO2 नहीं है तो फिर हीमोग्लोबिन कहता है भी अच्छा नहीं, अब नहीं मैं ऑक्सीजन के साथ रहूंगा, अब तो मेरे साथ एक और साथी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके साथ कंबाइन कर जाऊंगा. तो इसलिए जब हीमोग्लोबिन को फुली सैचुरेट होने के लिए बहुत ज्यादा 95 से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट कर रहा है. अगर 95 पे मैक्सिमम सैचुरेशन हो गई है इट मींस इट इज एसोसिएटिंग विद ऑक्सीजन. ठीक है, सो दिस इज अगर राइट साइड में कर्व शिफ्ट हो रहा है इट मींस देयर इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया. और अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ये बॉक्स में लिखना है आपने, ध्यान से क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बॉक्स में लिखना कि 100 ml ऑफ ब्लड हैज 1.34 एक मिनट 100 ml नहीं, हम यहाँ पे कहेंगे 1 gram ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड हैज या कंबाइंड विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. 100 ml ऑफ ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, आप ऑक्सीजनेटेड भी लिख लें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैक्सिमम 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है. और अगर 15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml में कितनी ऑक्सीजन है, 20 ml. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीनस या
deoxygenated blood has 15 ml of oxygen. एक ट्रक है, उसमें 20 डिब्बे पड़े हैं, उसने 5 डिब्बे उतार दिए, बाकी 15 डिब्बे हमेशा उसमें रहते हैं। इसका मतलब, जल्दी से जोरावर आपने मुझे मैसेज करके या तीनों मैसेज करके बताओ कि वो ट्रांसपोर्ट कितने कर रहा है। दोबारा से मेरी बात सुनो, एक ट्रक में 15 डिब्बे किसी भी चीज के वो हमेशा ही रहते हैं। उसने फैक्ट्री से जाके 5 और उठाए, सोर्स पे जाके, सिंक में जाके या जहां पर भी जाके 5 वो डिलीवर किए और फिर 15 लेके फिर वापस आ गया, फिर 5 उठाए, फिर वो डिलीवर किए और फिर लेके आ गया। अब मुझे आप ये बताइए कि एक्चुअल में वो ट्रक कितने डिब्बे ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जल्दी से गिव। 5। हाँ जी, कितने मैम? 5 ही कर रहे, क्योंकि 15 तो उसके पास ऑलरेडी। बिल्कुल बात बेटा, 15 तो है। तो अब यहाँ पे अब मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑफ ऑक्सीजन है। हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज? जल्दी से। यस मैम, फिर से रिपीट करना। ओके, मैं बताती हूँ, इधर लिख लो। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स बाय 100 ml ऑफ ब्लड इज, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, कितनी ट्रांसपोर्ट हो रही है? ये मैंने आपको ऊपर 80 ml। ध्यान से दोबारा से मेरी बात सुनो बेटा, कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। 100 ml कितनी होगी? उसमें 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन हमेशा है, तो कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है लंग्स से टिश्यू से? हाँ जी पवन जोत, जोरावर, समरीत, दोबारा से बेटा वही वाला ट्रक वाला ही साधन है। वीनस ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें हमेशा 15 ml है, वो गया लंग्स में, वहां से उसने 5 ml और उठाई, टोटल हो गए 20, फिर उसने टिश्यूज में जाके 5 ml दे दी, फिर 15 लेके चला गया, फिर उसने लंग्स में से 5 ml ली, फिर दी। तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है? 100 ml कितना ट्रांसपोर्ट कर रही है? 5। Is it okay? ठीक है जी? Yes, ma'am. So, this is all for today. Although मैं ये चाहती थी कि आज का आज खत्म हो जाए, but थोड़ा सा अभी भी है, फिर आपकी आगे क्लास होती है, so we will discuss it next time. No problem. Right? Okay, so, ma'am. मैंने समरीत एंड यू नो पवनजोत आपको असाइनमेंट दे दी है डाइजेशन की, I will tell you the time. ठीक है जी? तो उसके बाद ट्यूसडे को हम ये आगे प्रोसीड करेंगे, राइट? ओके बेटा, थैंक यू एंड बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय बाय।